वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल 4102 टेक्नीशियन लाइन की भर्ती का विज्ञापन मार्च 2019 में जारी हुआ था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2019 से शुरू होना था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ और इतने दिन बीत जाने के बाद भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र परेशान हैं और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि ये भर्ती अब रद्द हो चुकी है और ये फॉर्म अब दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि एक पीडीएफ बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जो कि यूपीपीसीएल 4102 भर्ती से जुड़ा हुआ है और इस पीडीएफ में एक ऐसी जानकारी है जिसे जानकर आप में से अधिकतर लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सुनने में आ रहा था कि ये फॉर्म इस वजह से डिले हो रहा है क्योंकि इस फॉर्म में कुछ बदलाव किए जाने थे। अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप अगर यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पे कुछ ऐसा दिख के आ रहा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फॉर्म दोबारा स्टार्ट होगा, ये विज्ञापन एडिट होने के बाद दोबारा से नई डेट के साथ स्टार्ट होगा। तो ऐसा कहना कि ये फॉर्म रद्द हो चुका है, ये एकदम गलत है। जो पीडीएफ व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है वो उसी अमेंडमेंट के बाद का विज्ञापन बताया जा रहा है जो कि विभाग ने जारी किया है। तो अब इस पीडीएफ में क्या है और ऐसी क्या जानकारी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को आप अभी लाइक करें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी थी कि हम लोगों का नया बैच शुरू हो चुका है और अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं। ये हमारा यूपीपीसीएल टेक्नीशियन लाइन का थर्ड बैच है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं और इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन करें इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस जो कि लखनऊ में चल रही है। यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और 3 महीने के अंदर आपका फुल टेक्निकल और कंप्यूटर जो कि CCC लेवल का आता है इसका फुल सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और आपको ऐसी प्रिपरेशन कराई जाएगी कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप अपना 100% एफर्ट देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें वो आकर ज्वाइन करें इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस, जिसका मोबाइल नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि ये जो पीडीएफ वायरल हो रहा है असल में इस पीडीएफ में है क्या और इसमें ऐसी क्या जानकारी है जो कि आपके बहुत काम की है और जिसे पाकर आप लोग में से अधिकतर छात्र बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। की स्क्रीन पर पीडीएफ का पहला पेज आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। ये आपका लिखा है कार्यालय ज्ञाप और दिनांक पढ़ा है इसमें 8 अप्रैल 2019। इसमें जो लिखा है वो आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 1995 के विनियम 9 का श्रेणी 4 वेतनमान 1200 से 1800 के बिंदु के अंतर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक 30 पदनाम टेक्नीशियन ग्रेड 2 लाइन वर्तमान में टेक्नीशियन लाइन में वर्णित तालिका को कॉर्पोरेशन आदेश संख्या 141 एवं विनियम 29 पालिका 2019-10 दिनांक 8 मार्च 2019 के माध्यम से निर्धारित की गई तालिका 1 की व्यवस्था को तालिका 2 में उल्लेखित व्यवस्था के नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। जानकारी है इसको शॉर्ट में बताएं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इससे पहले जो विज्ञापन 8 मार्च 2019 को जारी किया गया था उसमें जो आपकी तालिका 1 के अनुसार व्यवस्था थी उसको अब चेंज करके तालिका 2 में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए ये तालिका 2 और तालिका 1 है क्या, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर तालिका 1 आपको दिख रही होगी।
देखिए तालिका एक में क्या लिखा है, तालिका एक में लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए। मीन्स अगर आप साइंस स्टेट से हैं तो ही आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल में से किसी एक में आपको 2 वर्षीय ITI आपके पास होना चाहिए। अब ये जो तालिका है इसको UPPCL ने चेंज करके तालिका 2 में परिवर्तित कर दिया है। अब ये जानना जरूरी है कि ये तालिका 2 है क्या। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है आपकी तालिका 2। तालिका 2 में जो परिवर्तन किया गया है वो देखिए आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण। क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इससे पहले जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था उसमें जो हाई स्कूल में मांगा था वो मांगा था साइंस साइड से, और अभी जो तालिका 2 के अनुसार जो परिवर्तन किया गया है उसमें आपको हाई स्कूल में विज्ञान और गणित के विषय के साथ पास होना अनिवार्य है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और इससे काफी ऐसे छात्र जो कि साइंस साइड ना होकर के कॉमर्स और आर्ट और एग्रीकल्चर साइड से थे वो भी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे और इस भर्ती के लिए तैयारी कर पाएंगे। बात करें अगर कि ये जो PDF वायरल हो रहा है ये कितना सच है और क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है कि नहीं, तो देखने में तो ये PDF काफी हद तक सही लिख रहा है और देखने में लग रहा है कि ये सही है, लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। तो जब तक इसको ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता तब तक इसको सच मानना सही नहीं होगा। आप थोड़ा वेट करिए और इसको ऑफिशियली अपडेट होने का इंतजार करिए। UPPCL की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए क्योंकि तो जो भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उनकी वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ये फॉर्म काफी देरी के साथ स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि जब ये फॉर्म की लास्ट डेट हो उसके कुछ ही दिन बाद, यानी हो सकता है कि फॉर्म खत्म होने के 15 से 20 दिन बाद ही आपका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए और प्रवेश पत्र जारी होने के 10-15 दिन में ही आपका परीक्षा करा दी जाए। तो ऐसे छात्र जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं इस एग्जाम में सफल होना वो अभी से तैयारी में लग जाएं, फॉर्म के आने का इंतजार ना करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो छात्र कोचिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कोचिंग के माध्यम से इस एग्जाम की तैयारी करें वो तुरंत आए लखनऊ और आकर के ज्वाइन करें इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस जो कि लखनऊ में चल रही है। हम लोग का थर्ड बैच स्टार्ट हो चुका है तो आए और जल्दी से रजिस्टर करें और क्लासेस को ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी पाकर आप लोगों में काफी खुशी हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।